हरी ने अपना पाठ याद किया है, इस सेंटेंस की इंग्लिश जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस सेंटेंस के अंत में है किया है, तो जब हिंदी सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ या है आता है तो ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम से इंग्लिश में ट्रांसलेट होते हैं। तो ये सेंटेंस है अफर्मेटिव, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट है हरी, यानी एक व्यक्ति का नाम है हरी, तो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट में हरी। उसके बाद हम लिखेंगे हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हैज रहेगा। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इस सेंटेंस का वर्ब है याद किया, यानी तो यदि लर्न लिखेंगे तो लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्नड। तो उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही सेंटेंस का अपना पाठ, तो यहाँ पर अपना की मीनिंग पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार हीज, पाठ यानी लेसन। हरी हैज लर्नड हिज लेसन, हरी हैज लर्नड हिज लेसन। और यदि सेंटेंस नेगेटिव हो, जैसे कि हरी ने अपना पाठ याद नहीं किया है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हरी हैज नॉट लर्नड हिज लेसन। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो, जैसे कि हरी ने अपना पाठ क्यों नहीं याद किया है, तब इसकी इंग्लिश होगी वाई हैज हरी नॉट लर्नड हिज लेसन, वाई हैज हरी नॉट लर्नड हिज लेसन। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के वीडियो में।